बिसमिल्लामी असलकुम स्टूडेंट्स वी हैव टुडे द लेक्चर नंबर सेवन द रिकॉल ऑफ प्रीवियस लेक्चर इज द मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल्स टू बी ये ही चीज़ हमने डिस्कस की थी एक्स इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स इक्वेशन कि आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे सोल्यूशन हमने उसी तरह से डिस्कस किया जैसे हमने प्रीवियसली लीनियर कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया स्पानिंग सेट को हमने डिस्कस किया अब नेक्स्ट में हमने एक थेरम डिस्कस किया था डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थेरम जिसमें उसने कहा था कि हमारे पास अगर ये फोर स्टेटमेंट्स हैं जो हमने प्रीवियसली जितने लेक्चर्स में किया है समझ लें कि उस सारे लेक्चर्स को कम्बाइन करके वो बता रहा है कि हमने जैसे डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सिस्टम हम सॉल्व कर रहे हैं उसका ऑगमेंटेड सिस्टम हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स उसका बनाया सिस्टम का उसका सोलूशन हमने डिस्कस किया कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं या फिर हम कह रहे हैं द इक्वेशन ए एक्स इक्स टू बी हैज़ अ सोल्यूशन तो हम बेसिकली वी आर डिस्कसिंग द सेम थिंग तो वो कह रहा है कि ए एक्स इक्स टू बी भी हमारे पास बेसिकली तो वही चीज़ बनती है कि इससे भी हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेके ही उसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं ये तो आप ये कह लें कि इसको लिखने का वे डिफरेंट है तो वो कह रहा है कि इसका सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है और हम ये भी फिर कहेंगे कि द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए बी बी बिलोंग्स टू आर एम इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए कॉलम्स के मैट्रिक्स से जो कॉलम्स है वो लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं द कॉलम्स ऑफ ए स्पैन आर एम ए कॉलम्स के जो आपके पास ए मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो और एम को भी कर रहे हैं ए हैज अ पिवट पोजिशन एवरी रो ए कौन सा आपके पास है मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स नॉट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो वो कह रहा है कि हमारे पास हर रो के अंदर पिवट इन्वॉल्व हो रही है तो ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था आज हमने जो चीज डिस्कस करनी है डैट that इज़ homogeneous linear सिस्टम एंड नॉन homogeneous linear system तो so, हमने अब इसको डिस्कस करना है और फिर हम इसके फर्दर सॉल्यूशन की जो टाइप्स हैं ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस वो हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस बेसिकली हमारे पास उसी तरह से ही होंगे जैसे हम सस्टम कोर इक्वन को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेके सोल्व करते हैं हम उसी तरह से ही सोल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास टू टाइप के सोलूशन आ जाएंगे तो एक को हम कहेंगे वो ट्रीवियल है एक नॉन ट्रीवियल है

उसका सेम ऑर्डर है नंबर ऑफ कॉलम सेम है डिफरेंट है आ, जैसे भी हैं लेकिन ए आपके पास एम क्रॉस एंड मैट्रिक्स है एंड जीरो इज द जीरो वैक्टर इन आर एम मीन्स के ए आपके पास दोनों तरह से हो सकते हैं कि सेम ऑर्डर वाले जिसमें कॉलम और रोज सेम है और डिफरेंट है तो जीरो वो कह रहा है किससे बिलोंग कर रहा है जीरो वैक्टर बिलोंग्स टू आर एम तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप आपको यहाँ से पता चली वो वे कि अगर आपने जैसे हमने प्रीवियसली एक्स इक्स टू बी सिस्टम को अभी जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि हमने मैट्रिक्स एक्स इक्व टू बी को हमने डिस्कस किया था अब बी वैक्टर की जगह पर मैं जीरो वैक्टर ले लूँ तो इट मीन्स के आई एम डिस्कसिंग द होमोजीनियस लीनियर सिस्टम अब वो कह रहा है कि होमोजीनियस लीनियर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास सोलूशन किस टाइप के आएंगे अब वो कह रहा है कि जब हम सोलूशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सिस्टम को सॉल्व करने के बाद चूंकि देखिए राइट साइड ज़ीरो है अब अब जब आप रो ऑपरेशन भी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो आ... करस्पॉन्डिंग एंट्रीज uh, होती हैं वो एड या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो हमारे पास जो लास्ट कॉलम है जिसमें जिसको हम जीरो वैक्टर कह रहे हैं तो ये एंट्रीज एक दूसरे में एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ भी होंगी तो वो जीरो ही रहेंगी तो वो कह रहा है कि अगर आपके पास जितने भी वेट्स हैं मीन्स के जो एक्स uh, आपके पास वैक्टर है इसमें जितने अन आ रहे हैं जिनको हम वेट्स बोलते हैं उसमें सबके अगर इंडिविजुअल आंसर आ रहे हैं मीन्स कि अगर सपोज यहाँ पे आपके पास ये जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स वो थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स है तो आपके पास एक्स वन भी जीरो आ रहा है एक्स टू भी जीरो आ रहा है एक्स थ्री भी जीरो आ रहा है तो इट मीनस कि जो आपके पास सोलून आ रहा है वो जीरो सोलूशन है द जीरो सोलूशन इज यूजली कॉल्ड दीवियल सोलूशन अब इसकी मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जैसे ये सिस्टम ऑफ़ लीनियर इक्वन है एक्स वन प्लस टू एक्स टूस टू जीरो फाइव एक्स वन प्लस थ्री एक्स टूस टू जीरो अगर मैं दोनों को करूँ मैट्रिक्स लेके करूँ या सिमल्टेनियसली करूँ फिलहाल तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ में कि मेरे पास जो सोल्यूशन आ रहा है वो क्या है वो ट्रीवियल है नॉन ट्रीवियल है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसका सोलूशन डिस्कस कर रही हूँ एक्स वन जीरो आएगा जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे एक्स टू भी ज़ीरो आएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेके या सेमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन uh, से जिस भी मैथड से आप सोल्व करें तो दोनों के देखें इंडिपेंडेंट आंसर्स आए हैं और एक्स वन भी जीरो एक्स टू भी जीरो है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक्स वन भी ज़ीरो है एक्स टू भी ज़ीरो है तो हमारे पास बी वैक्टर बी देखिए बी वैक्टर भी हमारे पास जीरो था तो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स एक्स जिसको हमने वैक्टर एक्स बोला है उसमें क्या सोलूशन हमारे पास आए ज़ीरो ज़ीरो तो ये हमारे पास ट्रीवियल सॉल्यूशन है ज़ीरो सोलूशन इज़ यूजली कॉल्ड द ट्रीवियल सोल्यूशन अब वो कह रहा है फॉर फॉर अ गिवन इक्वेशन ये नहीं एक्स इक्स टू जीरो अब वो कह रहा है ठीक है हमारे पास ट्रिवियल आ गया वो तो अगर हम हमें अगर हम देखें तो हमें तो लगेगा कि जैसे हमारे पास हमेशा ट्रिवियल ही आएगा लेकिन वो कह रहा है कि द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वैदर देर एग्जिट अन ट्रीवल सोल्यूशन क्या इसमें चांसेस हैं कि नॉन ट्रिवियल सोलूशन एग्जिस्ट करे डेट इज़ अ नॉन जीरो वैक्टर एक्स जब हमारे पास यहाँ पे देखें x हमारे पास ज़ीरो वेक्टर आ गया है x यहाँ पे ये यह जो x है आपके पास वो यहाँ पे ज़ीरो वेक्टर आ गया है तो वो कह रहा है कि जब हमारे पास ये एक्स नॉन ज़ीरो वेक्टर होगा और वो ए एक्स इक्व टू तो जीरो सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे जैसे सोल्यूशन ज़ीरो जीरो आए हैं ये अदर देन जीरो नॉन जीरो वैल्यूज़ होंगी एक ज़ीरो हो जाए दूसरी नॉन ज़ीरो हो जाए या ओवरऑल तो हम यही कहेंगे कि एक्स वैक्टर इज़ बेसिकली नॉन ज़ीरो वैक्टर तो वो कह रहा है कि इसके क्या चांसेस हैं कि ये आ सकता है तो ऑफकोर्स चांसेस हैं द if, if the equation हैज एट लीस्ट वन फ्री variable. अब देखिए अगर फॉर example मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेके इन, इन दोनों equations को सॉल्व करती हूँ तो चांसेस तो ये भी हैं कि मेरे पास ये दोनों equations जो हैं वो कुछ मल्टीप्लाई करके सेम हो जाएं तो उसमें ऑटोमेटिकली एक equation रिड्यूस हो जाती है फॉर example अगर ये equation है ये इसका सब मल्टीपल बन जाए तो मेरे पास क्या होगा अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट कर रही हूँ तो क्या होगा मेरे पास जो सेकंड रो है उसकी सारी की सारी एंट्री जीरो हो जाएगी अब क्या हुआ मेरे पास अन हैं टू और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है वहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही रह गई है तो मुझे ऑटोमेटिकली एक्स टू को एज अ फ्री वेरिएबल एंड एक्स वन को बेसिक वेरिएबल लेना पड़ेगा तो वहाँ पे मेरे पास जीरो सोलूशन नहीं आएगा क्योंकि जब हम फ्री वेरिएबल की बात करते हैं तो फ्री वेरिएबल बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स तो रियल नंबर्स में से वो कुछ भी हो सकता है रियल नंबर जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है तो एक्स वन अब एक्स टू पर डिपेंड कर रहा है तो ये हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन तब आएगा अब देखें एक्स टू जब फ्री वेरिएबल एक फ्री वेरिएबल हुआ तो हमारे पास नॉन ट्रिवियल की कैटेगरी बनी तो अब किस, कितने टाइप के हमारे पास सोल्यूशन होंगे जब सिस्टम होमोजीनियस होगा ट्रीवियल एंड नॉन ट्रीवियल सोल्यूशन डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम होमोजीनियम इफ द फॉलोइंग दमोजीनियस सिस्टम हैज सोल्यूशन हमें चेक करना है कि क्या ट्रीवियल सोल्यूशन है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिया हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रहने के बाद आप उसी तरह से रो ऑपरेशन लगाएंगे उसको हम एचलॉन या रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसको मैंने रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म में लिख लिया है रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म में लिखने के बाद आपके पास जो इक्वेशंस बनेंगी वो हमारे पास होंगी थ्री एक्स वन माइनस फोर थ्री एक्स टू जीरो एंड एक्स टू इज इक्वल्स टू जीरो हम ऐसे करते हैं यहाँ पे थ्री लिख लेते हैं अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है अब ये देखें एक्स टू तो हमारे पास आ गया जीरो बट एक्स वन एंड एक्स थ्री आर इन ईच इक्वेशन तो हमें क्या करना है वी विल राइट एक्स वन इन द टर्म ऑफ एक्स थ्री हम एक्स वन को इन द टर्म ऑफ एक्स थ्री लिखेंगे अब एक्स थ्री हमारे पास क्या होगा एक्स थ्री विल बी द्री वेरिएबल एक्स टू एंड एक्स वन आर द बेसिक वेरिएबल्स अब हमें नॉन ट्रीबेल देखें अब अगर हमारे पास एक फ्री वेरिएबल आ गया तो हमने क्या कहा हमारे पास नॉन ट्रिबल सोल्यूशन आ जाएगा अब हमने उसको लिखना कैसे है हम सोल्यूशन को किस तरह से लिखेंगे एक्स वन हमने बोला कि एक्स वन एंड एक्स टू आर द बेसिक वेरिएबल एंड एक्स थ्री इज़ अ फ्री वेरिएबल तो हम हमारे पास आ जाएगा एक्स वन इज इक्व टू फोर बाय थ्री एक्स थ्री एंड एक्स टूस टू जीरो विद एक्स थ्री फ्री वेरिएबल यहाँ तक तो हमने वही किया जो हम लास्ट लेक्चर तक करते आए हैं अब हमने इसको इसकी जो जनरल फॉर्म लिखनी है सोल्यूशन की वो हम किस तरह से लिखेंगे एक्स हमारे पास किसके इक्वल है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के थ्री नोन्स थे एक्स वन किसके इक्वल हुआ solution में फोर थ्री एक्स थ्री तो एक्स वन

आप यू कह लें या वी कह लें वी वैक्टर से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं यहां पे बेसिकली हम जस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि नाउ दिस इज़ इज अ अ कॉलम मैट्रिक्स तो किलम हमारे पास क्या आ गया एक्स थ्री वैक्टर वी एक्स थ्री इज आर्बिट्रेरी हमने यहाँ पे कहा कि आर्बिट्रेरी मीन्स के एक्स थ्री बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर इज अ फ्री वेरिएबल इसको हम आर्बिट्रेरी भी कहेंगे इसे फ्री वेरिएबल भी हम कहेंगे अब हम अगर आ, इस इसको ऑब्जर्व करें x इज इक्वल टू एक्स थ्री जिस फॉर्म में हमारे पास सोल्यूशन आया है तो ये क्या हमारे पास स्पैनिंग सेट ऑफ v नहीं बन रहा स्पैनिंग सेट ऑफ द वेक्टर v हमने यहाँ पे कहा वेयर v इज इक्वल टू फोर बाई थ्री जीरो वन स्पैनिंग मीन्स कि मैं इसको इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ये भी तो कह सकती हूँ मेरे पास जो इस सिस्टम से होमोजीनियस सिस्टम से जो सोल्यूशन आया वो मेरे पास क्या आया स्पैनिंग सेट ऑफ द वैक्टर v इसको मैंने स्पैनिंग सेट ऑफ वैक्टर v क्यों कहा क्योंकि स्पैनिंग सेट ऑफ वैक्टर v की डेफिनेशन ये है कि स्पैनिंग सेट में जितने वैक्टर्स आ रहे हैं उसके ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस तो अब यहाँ पे एक ही वैक्टर आ रहा तो हम कहेंगे ऑल पॉसिबल मल्टीपल्स तो x3 जो है वो आप जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे x3 आप कोई भी ऑर्बिट्री वैल्यू चूज करते जाएंगे और x3 के कितनी वैल्यूज़ हैं इनफाइनाइट हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट मल्टीपल्स uh, बनेंगे वी के तो इसे हम सेट टू वी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो अब वो कह रहा है कि बेसिकली अब अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो हमारे पास ये ग्राफिकली क्या बनता है सॉल्यूशन सेट इज अ लाइन थ्रू ओरिजिन इसको वो जीरो में रिप्रेजेंट कर रहा है इन आर थ्री इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जब हमने कहा था स्मैनिंग सेट में जब एक वेक्टर आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा पोजीशन वेक्टर होगा एक लाइन होगी लेकिन अगर अब हमें पता है कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर थ्री तो हमारे पास जब इसकी डायमेंशन थ्री डायमेंशन हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तो हमारे पास थ्री डी में ये एक लाइन बनेगी थ्रू द वैक् ज़ीरो वैक्टर थ्रू द ज़ीरो वैक्टर

अगर हम एक्स थ्री की वैल्यू ज़ीरो चूज कर लें तो फिर क्या होगा एक्स आपके पास एक्स वेक्टर जीरो हो जाएगा तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अगर हम एक्स थ्री की वैल्यू जीरो चूज करते हैं तो ट्रिवियल सोल्यूशन आ सकता है अदरवाइज हमारे पास सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल है तो यहाँ पे भी अगर आप एक्स थ्री जीरो पुट कर देंगे तो एक्स वन भी जीरो एक्स टू भी जीरो और एक्स थ्री अगर आप खुद से जीरो चूज कर रहे हैं इसके अलावा हमारे पास सॉल्यूशन का इसमें कोई चांस नहीं है हमारे पास सारे के सारे नॉन ट्रीवेल सॉल्यूशन है, अब देखें। वो कह रहा है कि इसके जितने भी सॉल्यूशंस आते हैं होमोजेनियस सिस्टम के वो अपने सबके सब डिस्क्राइब सब करने अब एक ही हमारे पास इस पूरे सिस्टम में एक ही हमारे पास इक्वेशन आ रही है तो हम क्या करेंगे हम कहेंगे कि एक्स वन हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास एक्स टू और एक्स थ्री की वैल्यूज़ होंगी तो हमें एक्स टू और एक्स थ्री को एज अ फ्री वेरिएबल ट्रीट करना पड़ेगा देन हम कहेंगे कि एक्स वन इज़ अ बेसिक वेरिएबल तो हम क्या करते हैं कि टेन को हम एक्स um, वन को टर्म ऑफ एक्स टू एंड एक्स थ्री लिख के फिर टेन को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन इसका क्या आ जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू पॉइंट थ्री एक्स टू प्लस पॉइंट टू एक्स थ्री ये आपके पास आ जाएगा अब एक्स uh, आपके पास uh, कितने आन हैं है इसमें एक्स वैक्टर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री थ्री हैं एक्स वन को आप माइनस सॉरी ज़ीरो पॉइंट थ्री एक्स टू प्लस पॉइंट टू एक्स थ्री एक्स वन इसके इक्वल है लिख लें एक्स टू एक्स टू एक्स थ्री एक्स थ्री ही होगा अब हमारे पास में एक्स टू एक्स थ्री दो आन आ रहे हैं आप ऐसे करें कि एक्स टू वालों को सेपरेट कर लें पॉइंट थ्री एक्स टू एक्स टू और इसमें एक्स टू कोई नहीं है यहाँ पे जीरो आ जाएगा प्लस फिर एक्स थ्री वाला कॉलम आप सेपरेट कर लें आ, उसके बाद आप एक्स टू को कॉमन ले लें यहाँ पे फिर इस तरह से एक्स थ्री को कॉमन ले लें तो आपके पास एक्स टू के कोफिशंस ये बनेंगे एक्स थ्री के कोफिशंस ये बनेंगे तो यहाँ से जो एक्स टू के जो कोफिशंस जितने भी आपके पास जिस कॉलम में आए वो आपके पास जो वैक्टर बनेगा उसको आप यू से रिप्रेजेंट कर दें और जो एक्स थ्री के साथ आपके पास कॉलम मैट्रिक्स आ रहा है उसको आप वैक्टर वी से रिप्रेजेंट कर दें तो अब हमारे पास यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा एक्स टू यू प्लस एक्स थ्री वी एक्स टू एंड्री वेरिए आर आपको इसको लिखना है तो आप किस तरह से लिखेंगे ये आपके पास किसके इक्वल होगा दिस विल बी इक्वल्स टू द स्पैनिंग सेट अब कितने आपके पास फ्री वेरिएबल्स आए हैं आपके पास टू फ्री वेरिएबल्स आए हैं ना तो अब आप ये क्या बन रहा है आपके पास एक्स टू u वेक्टर प्लस एक्स थ्री वी वैक्टर आपके पास बेसिकली ये u और v वैक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हम इसको स्पैनिंग सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं स्पैनिंग सेट ऑफ वैक्टर u एंड वैक्टर v इस फॉर्म में लिखा जा सकता है इसमें टू वैक्टर्स आ रहे हैं आपके पास लास्ट uh, टाइम हमने जो एग्जांपल डिस्कस की थी उस एग्जांपल में बस एक ही वेक्टर आ रहा था तो हमने कहा था कि जब हम स्पेनिंग सेट में एक वेक्टर आता है तो हमारे पास एक लाइन ड्रॉ होती है जब टू वेक्टर्स आते हैं तो वहाँ से टू वैक्टर से हमारे पास क्या बनता है पैलोग्राम बनती है प्लेन बनता है तो अब एक्स uh, बिलोंग कर रहा है आर uh, थ्री से एक्स बिलोंग्स टू आर थ्री इसमें थ्री एंट्रीज हैं तो थ्री डी में आपके पास एक प्लेन बनेगा ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं ये देखें एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री तो आपके पास यहाँ पे ये देखें थ्री डी में ये पैलोग्राम जिसको हम प्लेन कह रहे हैं वो बनेगा इफ़ दिस इज़ यू वैक्टर एंड दिस इज़ वी वैक्टर तो आपके पास यू प्लस वी यहाँ पर कहीं यू प्लस वी आएगा फिर ये इसके मल्टीपल्स हैं यू वी के और ये यू के मल्टीपल्स हैं तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली अगर हम जनरली बात करें तो हमारे पास एक्स एक्स टू यू प्लस एक्स थ्री वी यहाँ पर आ जाएगा

लाइन थ्रू द ऑरिजन अगर टू वैक्टर्स आएंगे स्पैनिंग सेट में और वो दोनों वैक्टर्स कंडीशन ये है कि दूसरे के मल्टीपल्स नहीं है तो प्लेन होगा थ्रू द ऑरिजन अच्छा अब ये जो सोल्यूशन था इसको हम पैरामीट्रिक वैक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं ये जो हमने यहाँ पे ये सोल्यूशन लिखा है एक्स टू यू एक्स थ्री वी अब ये जो एक्स टू और एक्स थ्री है इसको मैं किसी पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ मैं कहती हूँ एक्स टू इज लेट दिस इज द पैरामीटर एस एंड एक्स थ्री इज द पैरामीटर टी इसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ तो फिर मैं इसको एक्स इज इक्वल टी वी इस फॉर्म में भी मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एस टी बिलोंग्स टू हमें पता है हमने कहा है कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं जो आपके पास फ्री वेरिएबल्स होते हैं उसको हमने फ्री वेरिएबल्स को पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर दिया तो जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये इक्वेशन पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी पैरामीट्रिक वेक्टर, वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म वेक्टर्स हैं इसमें ऑलरेडी तो हम पैरामीटर्स अगर इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो हमारा सोल्यूशन पैरामीट्रिक वैक्टर फॉर्म में आ जाएगा तो इसको भी हम स्पैनिंग सेट ऑफ एंड की फॉर्म में लिख सकते हैं ये थोड़ा मैं डिटेल में बता दिया पैरामीटर फॉर्म तो ये पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि स्पैनिंग सेट में यू एंड वी वेक्टर्स आ रहे हैं तो उसको हम इस तरह से लिख लेंगे अभी जैसे हमने लास्ट एग्जांपल को किया है तो ये पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म है अगर जैसे इससे पहले वाली जो एग्जांपल है उसको अगर हम लिखना चाहें तो उसमें एक ही हमारे पास जैसे एक्स इज इक्व टू एक्स थ्री वी हमारे पास आ रहा था तो यहाँ पर मैं वेरिएबल विरीब, और साथ ही बता देंग्स तो की है अब स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट प्रैक्टिस है इफ पॉसिबल राइट द नॉन ट्रेबल सोलूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इन पैरामीट्रिक वैक्टर फॉर्म की अभी हमने जो किया उसको बस हमने सिंपल पैरामीट्रिक वैक्टर फॉर्म में है हमने पैरामीटर्स जो है वो रिप्रेजेंट करने हैं यहाँ पे अच्छा इस एग्जांपल में आपने क्या करना है उसी तरह से आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लें उसको सॉल्व करें सॉल्व करने के बाद आपके पास जो सॉल्यूशन आएंगे जैसे एक इक्वेशन आपके पास आ गई है एक्स वन इज इक्ल टू माइनस फाइव एक्स थ्री एक्स टू इज ऐक्स थ्री तो आप ये देखें यहाँ पर आपके पास एक फ्री वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है तो यहाँ पर आपके पास जो सोलूशन आएगा वो नॉन ट्रीवियल आएगा Uh, उसी तरह से आप सोल्यूशन x इज इक्ल्स टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री उसको आप लिखेंगे ये x3 है उसको मैंने एक पैरामीटर s के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है तो मेरे पास जो फाइनल सोल्यूशन आ गया वो मैंने यहाँ पे uh, x1 वन माइनस फाइव एस एक्स टू एस एक्स थ्री एस वो उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया इसके ये सोल्यूशन आप देख लीजिएगा ये जस्ट प्रैक्टिस अच्छा अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जैसे अभी तक हमने जो किया लास्ट एग्जाम्पल तक वो था होमोजीनियस अब नॉन होमोजीनियस आ गया है, सॉल्व नॉन नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अब हम इसको सॉल्व करेंगे उसी पैटर्न पे कि हम उसको पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म तक हम लिखेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में दोनों में क्या डिफरेंस क्या है और इनके इनमें आपस में रिलेशन क्या है अब जैसे ये देखें अब इसकी राइट right साइड आपके पास नॉन जीरो वैल्यूज इसमें आ रही हैं इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लें उसी तरह से सॉल्व करें देखें इसमें एक्स थ्री आपके पास एक ही फ्री वेरिएबल आया है तो x1 को x इन द टर्म ऑफ x3 लिख लें x2 आपके पास इक्वल्स टू 2 आ जाएगा तो ये देखें आपके पास आप, अब अब यहाँ पे फोकस करें कि आपके पास x1 क्या आया है माइनस -1 4 by 3 x3 ये देखें माइनस -1 ये टर्म आपके पास पहले नहीं आ रही थी होमोजिनियस में ये टर्म नहीं आ रही थी आपके पास ये 2 ये टर्म नहीं आपके पास आ रही थी तो अब ये देखिए जब हम माइनस वन टू ये जिस जिसके साथ हमारे पास कोई फ्री वेरिएबल नहीं है जब इसका हम अलग से कॉलम लेंगे कॉलम मैट्रिक्स uh, लेंगे माइनस वन टू और यहाँ पे कोई नहीं है ज़ीरो प्लस एक्स थ्री एक्स थ्री के साथ ये फोर बाई थ्री यहाँ पे एक्स थ्री नहीं है जीरो यहाँ पे एक्स थ्री का क्वेश्चन वन है तो देखें ये चीज़ अब आपको नज़र आएगी कि ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे एक्स्ट्रा है हमारे पास जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल की थी अगर यहाँ पे जीरो ज़ीरो होता मीन्स कि होमोजीनियस सिस्टम होता तो उसमें फिर ये जो चीज़ है ये ना आते तो इन दोनों में ये मुझे डिफरेंस लग रहा है कि अगर होमोजीनियस है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा अगर होमोजीनियस है तो अगर नॉन होमोजनियस है तो उसमें साथ ये वाला पार्ट भी आएगा ये भी हमारे पास एक वेक्टर है इस वेक्टर को हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम कहते हैं ये कोई भी पोजिशन वैक्टर पी है प्लस एक्स और इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास को, इस इसको भी हम किसी वैक्टर यू या बी के इक्वल ले लेते हैं तो हमारे पास अभी सॉल्यूशन किस फॉर्म में आ गया एक्स इज इक्वल टू पी हमने पी पोजिशन वेक्टर जो फर्स्ट वेक्टर है उसको कह दिया प्लस एक्स थ्री वी और राइटिंग टी एज ए जनरल पैरामीटर क्योंकि अगर हमने इसे पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम इसको यहाँ पे एक्स थ्री को हम फ्री वेरिएबल को पैरामीटर टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं टी बिलोंग्स टू आर अब वो कह रहा है ये डिस्क्राइब करता है द सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्सिकल्स टू बी इन पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म अब देखिए अगर आपके पास देखें यहाँ पे टू आपके पास एक्स एक प्लस टी वी टू आपके पास वैक्टर्स आ गए हैं लेकिन अब आप इसको स्पैनिंग सेट ऑफ पी कॉम वी की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये आपके पास वी के ऑल पॉसिबल मल्टीपल्स बन रहे हैं इसके साथ कोई आपके पास मल्टीपल नहीं है सिंपल पी वैक्टर है तो ये आपके पास पोजिशन वैक्टर है जब टू वैक्टर्स होते हैं तो उस उन टू वैक्टर से अब हम सिर्फ और सिर्फ इसका सोलूशन डिस्कस कि अगर टू वैक्टर्स हैं तो अगर ये पोजिशन वैक्टर सपोज यहाँ पे पी वैक्टर होता है यहाँ पे वी वैक्टर होता है अभी हम टी की बात नहीं कर रहे इसके मल्टीपल्स की बात नहीं कर रहे हम सिंपल वी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये वी प्लस पी इसका डायग्नल बनता तो ये पेरलोग्राम बनती ठीक है तो अब हम इसको जरा अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो टी पैरामीटर है इसका क्या इफेक्ट होगा जोमेट्रिकली ये पी वैक्टर है ये हमारे पास वी वैक्टर है तो टी वी मीन्स के सम मल्टीपल ऑफ वी तो सपोज हम लेट करते हैं कि दिस इज़ टी पैरामीटर एंड वैक्टर वी तो ये आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा तो यहाँ पर पी प्लस टी वी आपके पास आ जाएगा अब वो कह रहा है कि अगर हम डिस्कस uh, करते हैं अब अगर हमने पोजिशन वेक्टर जैसे हम अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बेसिकली आपके पास एक पैरलोग्राम बन रही है यहाँ पर ठीक है जब आपने मल्टी ऑल मल्टीपल्स ऑफ v आपने लिए तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जैसे ये है आपके पास ये डायगनल है सम ऑफ p प्लस tv तो अब वो कह रहा है कि जो अगर आप होमोजिनियस uh, की बात करेंगे तो जो होमोजिनियस में देखें p वेक्टर इन्वॉल्व नहीं था होमोजिनियस में p वेक्टर इन्वॉल्व नहीं था हमें ये नजर आया कि अब ये p वेक्टर है जो इसमें एक्स्ट्रा वेक्टर आ रहा है Uh, अगर हम उसको होमोजीनियस के साथ कंपेयर करें तो नॉन होमोजीनियस में हमारे पास ये पी वैक्टर ऐड हो रहा है और अगर मैं यही सोल्यूशन डिस्कस करूँ इसी सिस्टम को मैं होमोजीनियस में कन्वर्ट करके करूँ तो पी नहीं आएगा एक्सिक्वज़ टू टी वी आएगा तो वो कह रहा है कि जब आप एक्स इक्व टू जीरो की बात करते हैं तो वो इस लाइन के ऊपर ये इसके सोल्यूशन आते हैं जब आप एक्स इक्स टू बी की बात करते हैं तो आपके पास ये सोल्यूशन ये टाइप होती है पी प्लस टी वी और एक्स इक्स टू जीरो से टी वी ये आपके पास सोलूशन की टाइप आती है अब क्या अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस का तो वो कहता है द सॉल्यूशन सेट ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी जो आप आपके पास नॉन होमोजेनियस सिस्टम है डी लाइन थ्रू पी पैरालल टू द सॉल्यूशन सेट ऑफ ए एक्स इक्वल टू जीरो होमोजेनियस कि बेसिकली आप इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे ज्योमेट्रिकली जब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम कहेंगे ये जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम है सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस नॉन होमोजेनियस सिस्टम इज लाइन थ्रू पी क्योंकि इसमें पी इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए हम कहेंगे थ्रू पी एंड ऑफ होमोजीनियस सिस्टम टू जीरो उसके पैरेलल होगा लेकिन ये ये ऑरिजिन से पास कर रहा है और ये P से हम कहेंगे कि पास कर रहा है थ्रू P है ठीक है अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें ना तो हमारे पास नॉन लीनियर सिस्टम और लीनियर सिस्टम एक ही मतलब इसमें हमें तो एक ही सोल्यूशन सेट्स हैं उनके होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस उनका वो कह रहा है कि आपके पास आपने इन दोनों को कंपेयर करना है और उनको डिस्क्राइब करना है तो डिस्क्राइब तो हम इसी तरह से करेंगे अभी जैसे हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिकली तो हम ऐसे ही डिस्क्राइब करेंगे लेकिन अब हमने सॉल्व इसको किस तरह से करना है ये नॉन होमोजीनियस है ये होमोजीनियस है मैंने एक्स वन को इन द टर्म ऑफ एक्स टू एक्स थ्री लिखा देखें इसमें ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है इससे मैं एक वेक्टर बनाऊंगी अब यही जब होमोजीनियस की बात करें तो यहाँ पे ये नहीं चीज़ आ रही लेकिन इन दोनों में देखें ये वाली चीज़ इन दोनों में कॉमन है तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जब आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आपके पास p प्लस नहीं आएगा तो ये आपके पास आएगा एक्स इक्वीनिंग और यहाँ सेट ऑफ u कोमा वी तो डिस्क्राइब आप उसी तरह से करेंगे कि आप ये कहेंगे द सोल्यूशन जैसे आपने किया the solution of AX equals to B, या आप यहाँ पे ये कह लें सोल्यूशन सेट ऑफ इसकी बात करें दोल्यूशन सेट ऑफ एक्स वन प्लस थ्री एक्स थ्री टू माइनस टू इस अलाइन थ्रू ट्रूपी अच्छा यहाँ पे हम लाइन की बात करते क्योंकि यहाँ पे स्पैनिंग सेट में एक वेक्टर था यहाँ पे हम लाइन की नहीं बात करेंगे यहाँ पे हम बात करेंगे प्लेन की हम यहाँ पे प्लेन की बात करेंगे यहाँ पे टू वेक्टर्स आ रहे हैं तो हम इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे हम कहेंगे कि ये बेसिकली आपके पास ये देखें ये प्लेन है इज अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एंड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द ऑफ ए एक्स इक्व टू जीरो वैक्टर के इसके इसके प्लेन के पैरेलल है लेकिन P से पास कर रहा है तो यहाँ पे टू वेक्टर्स आ रहे हैं इसलिए हम प्लेन की बात करेंगे इसमें हमारे पास एक सिंगल वेक्टर आ रहा था x एक्स इक्वी प्लस था ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास टू वेक्टर्स आ रहे हैं तो हमारे पास इस तरह से बनेगा ज्योमेट्रिकली हम इसको इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे पास ये प्लेन है वहां पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहां पे लाइन है और यहाँ पे प्लेन है और डिस्क्राइब हमने उसी तरह से करना है कि हम कहेंगे द सॉल्यूशन सेट ऑफ इज अ प्लेन थ्रू

अदरवाइज अगर इनकनसिस्टेंट है तो सोल्यूशन सेट एम होगा अच्छा स्टूडेंट्स इसके बाद ये देखें ये कुछ क्वेश्चन हैं इनको आप देख लीजिएगा इसमें आपने उसी तरह से पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म है आपने नॉन ट्रिबल सॉल्यूशन है इसका वो लिखना है पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म में लिखना है फिर ये क्वेश्चन नंबर टू है यूज़ रिलेशनशिप बिटवीन द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर सिस्टम टू द सोलूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम आप उसी तरह से जैसे अभी हमारे पास हमने डिस्क्राइब किया था आ, इस एग्ज़ाम्पल में ठीक है इसी तरह से जब सोल्यूशन आ जाएंगे तो आप वैसे ही इसको डिस्क्राइब करेंगे सोल्यूशंस को फिर क्वेश्चन नंबर थ्री भी इसी तरह से यह क्वेश्चन नंबर फोर देख लीजिएगा इसमें आपने इसमें जस्ट डिस्कस करना है इसको आप अपने वर्ड्स में से एक्सप्ल कीजिएगा ठीक है और कोशिश कीजिएगा कि कॉपी uh, पेस्ट ना हो आप लोग ना ही आप सोल्यूशन मैनुअल से देखें बल्कि आप इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हो रहा है Thank you so much. Take care.